हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है कक्षा 7 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ मैं आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके 2023 एग्जामिनेशन में या फिर आप लोग का जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे सवालों का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। साथ ही आप लोग को अगर ओरिजिनल पेपर लेना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर सारा मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह यानी निशान लगाइए। वाजश्रवा ने किन गायों को दान में दिया? ऑप्शन क है कमज़ोर, ऑप्शन ख है बूढ़ी, ऑप्शन ग है दूध न देने वाली, डी है उपरोक्त सभी। तो वाजश्रवा ने कमज़ोर, बूढ़ी, दूध न देने वाली तीनों ही तरह का गाय का जो है दान किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला आता है बाबू कुंवर सिंह ने किन दो स्थानों के बीच सुरंग का निर्माण कराया? ऑप्शन क है आरा और पटना, ख है जगदीशपुर और आरा, ग है जगदीशपुर और पटना, ग है इनमें से कोई नहीं। तो जगदीशपुर और आरा के बीच जो है सुरंग का निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला आता है एक अपराध छेमब मोर जानी परसल माए पाए तू, यहाँ पे खाली स्थान बढ़ाना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क सानी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए, पहला है गुलाम, दूसरा है हार, तीसरा है विरोध, अग है जिसकी आशा ना हो। तो प्रतिरोध मतलब होता है विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट अगला आता है गुड्डी किसको पत्र लिखती है? ऑप्शन क है ग्राम प्रधान को, ख सरपंच को, ग जिलाधारी अधिकारी को और घ प्रधानमंत्री को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी प्रधानमंत्री को। अगला सवाल आता है कोष्टक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ऐसे ऐसे एकांकी में मोहन के पड़ोसी का नाम डैश था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कैलाश, ठीक है। अगला आता है राम मारी ने तंग कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें भर लीजिएगा आपका बीमारियों ने तंग कर दिया, ठीक है। खून की यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, करते देखा है कभी हवा को, तो ये हो जाएगा, इसमें भरिएगा आप लोग उल्टियाँ, ठीक है। अगला आता है आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए, तो यहाँ पे खाली जगह है, इसमें भर देंगे निरर्थक, ठीक है। डैश ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए, तो ये हो जाएगा इसमें सेनापति ने, ठीक है। अगला यहाँ पर सवाल आता है स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए, है ना। इंदिरा गांधी जो थी वो राजनीति से रिलेटेड थी, कल्पना चावला है अंतरिक्ष से, मदर टेरेसा है समाज सेवा से, लता मंगेशकर है संगीत से और सायना नेहवाल है बैडमिंटन से। तो इस तरह से आप लोग को ये मिला लेना है। साथ ही आप लोग को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यह एक प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पे जो है ये एक प्रैक्टिस सेट है, और इसका जो ओरिजिनल पेपर है आप लोग के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, यानी कि 15 मार्च से आपको इसका ओरिजिनल पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए, वहीं पे मैं ओरिजिनल पेपर दूँगा, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके और एग्ज़ाम में जा करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।